हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अशोक, वेलकम इन माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट लेसन में हमने डिग्री सेंटेंसेस देखे थे, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये तीन डिग्री हमने लास्ट क्लास में लर्न किए थे। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर यहाँ पे उस वीडियो की लिंक दी गई है। प्लीज़ यू क्लिक ऑन दैट लिंक सो यू कैन वॉच दैट वीडियो अगेन हियर। फ्रेंड्स, in this video we are going to learn about the regular verbs and irregular verbs. aaj hum is video mein regular verbs and irregular verbs learn karne wale hain. ye jo do verbs ke form hai, types hai, ye verbs se related hai. regular verbs yani kya, irregular verbs yani kya, ye information aaj hum is lesson mein, is video mein learn karne wale hain. to friend, main aage badhne se pehle aapko request karta hu कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू वॉचर हियर देन आई मस्ट रिक्वेस्ट यू फ्रॉम कोर ऑफ माय हार्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर गेटिंग यू लेटेस्ट वीडियोस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सके। लेट्स वी मूव टुवर्ड्स आवर टुडेस टॉपिक एंड द टॉपिक इज regular verbs and irregular verbs. let's remove. so friends, here we are. so as you can see on the screen there are three columns. तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वहां पे तीन कॉलम दिए हैं, एक है वर्ब्स का और बाकी के जो दो है वो वर्ब्स के टाइप्स है। ठीक है, तो वर्ब्स में वर्ब्स के अलग अलग दो टाइप्स है, एक है रेगुलर वर्ब्स और दूसरा है इरेगुलर वर्ब्स। ठीक है, सो इन द वर्ब देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वर्ब, फर्स्ट इज रेगुलर वर्ब्स एंड अनदर वन इज द इरेगुलर वर्ब्स। सो लेट्स वी सी द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर वर्ब। तो अब रेगुलर वर्ब क्या है? रेगुलर वर्ब इट मीन्स ए फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंस बाय एडिंग ईडी। तो रेगुलर वर्ब में पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वर्ब का उसको ईडी लगा के यूज किया जाता है। इरेगुलर वर्ब्स में पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब्स होते हैं उनको डिफरेंट वेज में यूज किया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, सो रेगुलर वर्ब इट मीन्स दोज वर्ब्स वेयर वी यूज्ड ईडी, ऐसे वर्ब्स जहां पे ईडी यूज होता है। इरेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जहां पे ईडी वर्ब नहीं यूज होता, ईडी यूज नहीं होता, बल्कि उसको डिफरेंट वेज में यूज किया जाता है। ओके, सो हियर आर दी टू मेन डिफरेंसेस बिटवीन रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स सी हियर द डिफरेंस बिटवीन देयर एग्जांपल्स सो वी कैन अंडरस्टैंड हियर वेरी वेल। द फर्स्ट इज रेगुलर वर्ब एंड देयर इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंस। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज प्ले, पास्ट फॉर्म में प्लेड, पास्ट पार्टिसिपल में प्लेड। तो अब यहाँ पे रेगुलर वर्ब जो है उनके थ्री टेंस में कैसे एग्जांपल्स आते हैं वो हम देख रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिया है प्ले का प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में होता है प्लेड, सेकंड फॉर्म दैट वी कैन से पास्ट पार्टिसिपल होता है प्लेड। तो अब यहाँ पे ईडी को यूज करके यहाँ पे ये सेंटेंसेस या फिर ये वर्ब्स बनते हैं। ठीक है, ईडी यूज होता है इस सेंटेंस में। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जंप, ये प्रेजेंट टेंस का है, जंप हम देख रहे हैं रेगुलर वर्ब। ठीक है, जंप सेकंड फॉर्म होता है जंप्ड, पास्ट टेंस में जंप्ड, पास्ट पार्टिसिपल में जंप्ड। तो ये अगर दोनों एग्जांपल हमने यहाँ पे देखे तो वहां पे ईडी यूज हुआ है और ये ईडी जहां पे यूज होता है इसका मतलब वो रेगुलर वर्ब्स है। ठीक है, अब देखते हैं इरेगुलर वर्ब्स और उसके एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन। इरेगुलर वर्ब्स में आप देख सकते हो वहां पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस
एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंस. प्रेजेंट टेंस में राइज ये वर्ब है, राइज, उसका सेकंड फॉर्म होता है रोज, सेकंड फॉर्म होता है रोज. पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, यानी हम उसको थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है राइजन. ठीक है, राइज, रोज, राइजन, ये तीन वर्ब्स के फॉर्म है, राइज, रोज, राइजन. अब इरेगुलर में ईडी यूज नहीं हो रहा, इरेगुलर में क्या हो रहा है, उसके जो वर्ब्स के फॉर्म है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज किए जा रहे हैं. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, सिट, सैट, सैट. सिट ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस में हो गया, सैट पास्ट पार्टिसिपल में उसका फॉर्म है सैट. ठीक है, तो इरेगुलर में, इरेगुलर में सिट, सैट, सैट. ठीक है, तो दो रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स हमने देखी, रेगुलर वर्ब्स जहां पे ईडी यूज होता है, इरेगुलर वर्ब्स जहां पे ईडी यूज नहीं होता, बल्कि उन उस वर्ब के डिफरेंट डिफरेंट जो वेज है यूज करने के वो वहां पे यूज होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, नाउ हियर आर द टाइप्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स. इरेगुलर के तीन टाइप्स यहां पे हम देख रहे हैं, इरेगुलर के तीन टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप्स में क्या होता है, जो उसके फॉर्म्स है वो सेम होते हैं, तीनों भी फॉर्म सेम होते हैं उस वर्ब के. सेकंड में दो फॉर्म सेम होते हैं, सेकंड में दो फॉर्म सेम होते हैं. थर्ड में तीनों भी फॉर्म अलग अलग स्ट्रक्चर में होते हैं. ठीक है, तो इरेगुलर वर्ब्स के थ्री टाइप्स होते हैं, उसमें फर्स्ट जो टाइप होता है उस वर्ब के तीन फॉर्म सेम होते हैं, तीनों फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कि कट, 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 तीनों फॉर्म सेम है. फिर दूसरा जो टाइप है उसमें दो फॉर्म सेम होते हैं, कौन से भी दो फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कि बाय ये अलग है, बॉट, बॉट, दो फॉर्म सेम है. थर्ड में जो उसका टाइप है थर्ड, उसमें तीनों भी फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, जैसे कि डू, डीड, डन, डू, डीड, डन, ये तीन अलग अलग टाइप्स है इरेगुलर वर्ब्स के जो हम अभी देख रहे हैं. फ्रेंड्स, नाउ हियर इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द इरेगुलर वर्ब्स, दैट इज ऑल, मींस थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स आर सेम. आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तीनों भी फॉर्म जो है वो सेम है, जैसे कि बेट, 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 ब्रस्ट, 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 कास्ट, 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 कट, 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 हिट, 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 हर्ट, 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 पुट, 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 काइट, 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 रीड, 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 सेट, 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 शेड, 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 शट, 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 स्प्लिट, 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 स्प्रीड, स्प्रीड, स्प्रीड. तो ये तीनों फॉर्म इरेगुलर वर्ब्स के जो फर्स्ट टाइप है उसमें सेम फॉर्म होते हैं. ओके, सो इन दिस टाइप ऑल द वर्ब्स फॉर्म्स, मींस थ्री फॉर्म्स, प्रेजेंट टेंस, past tense and past participle tense, these three forms are same always, ye same hote hain. theek hai, dusra type hai jo irregular verb ka, usme do form same hote hain, do form same hote hain, uske kuch examples dekhte hain, beat, beat, beaten, beat, beat, beaten, bend, bent, bent, bend, bent, bent, become, became, become, bleed, bled, bled. तो ये इस टाइप में दो फॉर्म सेम होते हैं, ठीक है, इरेगुलर वर्ब्स में. फिर देखते हैं थर्ड टाइप. अब इसमें तीनों फॉर्म जो है वर्ब्स के, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, या फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में, तीनों फॉर्म वर्ब के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. ठीक है, जैसे कि be, was, been, ठीक है, या फिर begin,
began, begun, या फिर bead, bed, beaten, bite, beat, beaten, blow, blew, blown, choose, chose, chosen, do, did, done, draw, drew, drawn, ride, rode, ridden, ring, rang, rung, saw, sawed, sawn, see, saw, seen, shake, shook, shaken, show, showed, shown, sing, sung, sung, shink, sink, sank, sung. तो ये इस थ्री थर्ड टाइप में जो वर्ब्स के इरेगुलर वर्ब्स के तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स. We learn here the regular verb and irregular verbs. Regular verb में ed को use किया जाता है, irregular verbs में अलग अलग form होते हैं, और irregular verbs three different different types में divide होता है. First type में होता है जो तीनों जो verbs के form है वो same होते हैं. Second type में दो form verbs के same होते हैं. Third type में सभी जो forms है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. सो फ्रेंड्स, वी लर्न हियर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब. फ्रेंड, इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस, देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. और इफ यू वांट इम्प्रूव माय टीचिंग स्टाइल, देन आल्सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, हैव अ नाइस टाइम. बाय.